और लगातार मोदी जी के राज में बेरोजगार दर जो है बढ़ता चला जा रहा है। आप लोग तो माननीय मुख्यमंत्री जी को जानते ही है, हमको बताने की जरूरत नहीं है। आदरणीय लालू जी के पास आए, हमारे घर आए कि हमारे पार्टी के भाजपा वाला तोड़े था, हमारे विधायक लोग के नुभावों का महाराष्ट्र में तोड़ दिया, पैसा से प्रलोभन से भाजपा वाला ऑपरेशन लोटस चला रहा था, झारखंड में प्रयास कर रहा था, कर्नाटका में किया, मध्य प्रदेश में किया, हमसे बहुत बड़ा गलती हो गया। मोदी जी हमारे दल को तोड़ रहे हैं, लालू जी राबड़ी जी हमको माफ कीजिए कि हम मुख्यमंत्री जी का साथ दें, काहे हम जानत रहनी हम तो हाउस में पूछे भी भाजपा वाले के लोग क्या मोदी जी का गारंटी इतना मजबूत गारंटी होता है, स्वयं मोदी जी के गारंटी वाले कौन गारंटी था कि बिहार के मुख्यमंत्री फिर से पलटे कि नहीं पलटे के जरा बताओ। तो विधानसभा में सब भाजपा वाला चुप हो गया, कोई गारंटी लेने को तैयार नहीं। भाजपा के राष्ट्र प्रवक्ता बोलता कि हम नहीं ले सकते उनका गारंटी। एक तरफ ताकते हैं जो भारत को तोड़ना चाहती है, एक तरफ ताकत है जो भारत को जोड़ना चाहती है, एक तरफ नफरत की राजनीति की जा रही है, एक तरफ प्यार की बात की जा रही है, जोड़ने की बात की जा रही है, भाईचारे की बात की जा रही है। आप सब तो को तय करना है कि आप इनका साथ देने का काम कीजिएगा। जो लोग भारत को तोड़ने के साथ काम कर रहे हैं या जो लोग भारत को जोड़ने का काम कर रहे हैं, और आप सब लोग जानते पूरे देश भर में किसान हो, नौजवान हो, युवा हो, मजदूर हो, सभी लोग मोदी जी के शासन में सभी लोग जो है परेशान है। और हम लोग सब लोग आप लोगों के बीच आए, अपनी बात रखने आए हैं कि जिस प्रकार से मुद्दे की बात होनी चाहिए। मेरा मानना है कि अगर समाज में अगर कोई सबसे बड़ा दुश्मन है तो वो बेरोजगारी है। नौजवान लोग पढ़ लिख के डिग्री लेकर के भी बेरोजगार है, और लगातार मोदी जी के राज में बेरोजगारी दर जो है बढ़ता चला जा रहा है। हमने तो 2020 के चुनाव में वादा किया था कि अगर आप लोग हमको मुख्यमंत्री बनाइएगा तो 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे, लेकिन 2020 का जब चुनाव रिजल्ट आया तो बहुमत के लिए 122 चाहिए था, हम लोग बहुमत पास कर गए थे, लेकिन छल कपट से ये लोग 122 के जगह हम लोगों को 114 के आसपास रोकने का काम किया। आपकी सरकार बन गई थी लेकिन छल कपट किया गया, किसी विधायक को 50 वोट से हराया गया, किसी को 12 वोट से हराया गया, किसी को 100 वोट से हराया गया, किसी को 500 वोट से हराया गया। 4 बजे के बाद गिनती बंद कर दिया था, फिर रात के अंधेरे में 12 बजे के बाद गिनती शुरू किया था, फिर भी सरकार बनी। हम विपक्ष में आए, हमें स्वीकार था, फिर भी हमने ठहरा था कि बेरोजगारी मुद्दे को लेकर के हम न्याय लड़ने का काम करेंगे। फिर बाद में आप लोग तो माननीय मुख्यमंत्री जी को जानते ही हैं, हमको बताने की जरूरत नहीं है। आदरणीय लालू जी के पास
हमारे घर आए, उन्होंने कहा कि हमारे पार्टी के भाजपा वाला तोड़े था, हमारे विधायक लोग के नुभावता महाराष्ट्र में तोड़ दिया, पैसा से प्रलोभन से भाजपा वाला ऑपरेशन लोटस चला रहा था, झारखंड में प्रयास कर रहा था, कर्नाटका में किया, मध्य प्रदेश में किया, तो मुख्यमंत्री जी के गिराते हुए आए और हाथ जोड़ करके ऐसे ही माफी मांगे हमारे माता पिता से, हमसे बहुत बड़ा गलती हो गया, मोदी जी हमारे दल को तोड़ रहे हैं, लालू जी राबड़ी जी हमको माफ कीजिए और फिर से आइए मिलते हैं और 2024 में भाजपा को रोकने का काम करते हैं। हम नहीं चाहते थे कि हम मुख्यमंत्री जी का साथ दें, गाये हम जानत रहनी, हम तो हाउस में पूछे भी भाजपा वाले के लोग, कह रहे मोदी जी का गारंटी इतना मजबूत गारंटी होता है, तो ये मोदी जी के गारंटी वाले कौन गारंटी था कि बिहार के मुख्यमंत्री फिर से पलटे कि नहीं पलटे, जरा बताओ। तो विधानसभा में सब भाजपा वाला चुप हो गया, कोई गारंटी लेने को तैयार नहीं, भाजपा के राष्ट्रवक्ता बोलता कि हम नहीं ले सकते उनका गारंटी, तो हम जान रहे थे, लेकिन देश भर के नेताओं पर दबाव था, सब लोग चाहते थे कि भाई कुछ भी हो जाए लालू जी, अगर नीतीश जी सच्चे मन से आ रहे हैं तो आप उनको स्वीकार कीजिए, चाहे जो त्याग त्यागना हो, जो कुर्बानी देनी हो दे करके देश को बचाने का काम कीजिए, देश के लोकतंत्र को बचाने का काम कीजिए, देश के संविधान को बचाने का काम कीजिए। यही एक शर्त था जिसके लिए हम और नीतीश कुमार जी साथ आए थे और उन 17 महीनों में साथ आए, हम उप मुख्यमंत्री बने और हमारा जो एजेंडा था, भले ही मुख्यमंत्री ना बने हो लेकिन हमारा एजेंडा था 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी देने का। इन ताके मुख्यमंत्री से नीतीश कुमार जी थके हुए थे, उनसे हमने 5 लाख सरकारी नौकरी हमने दिलवाने का काम किया, नियुक्ति पत्र वितरण बंटवाने का काम किया और अभी और बहाली आने वाला है जिसका फाइल हम करके गए हैं, जो मुख्यमंत्री जी रोके हैं स्वास्थ्य विभाग का आने वाला है, तो हम लोगों का साथ है, चाहे हम पक्ष में रहे या विपक्ष में रहे, मुद्दे की बात करेंगे, जनता की बात करेंगे और संघर्ष करने का काम करेंगे, जो आप लोगों का अधिकार है उसको हम लोग दिलाने का काम करेंगे। तो इस दिशा में हम लोग काम किए, जाति आधारित गणना कराए, मां को हम लोगों ने टोला सेवक का, तानी वर्कर्स का, आंगनबाड़ी का, सबका मानदेय जो है हम लोगों ने दुगुना करने का काम किया, आशा ममता जो दीदियां थी उनका भी हम फाइल करके गए हैं, 2500 रुपए हम कर दिए हैं, लेकिन अभी भी मुख्यमंत्री जी फाइल रोक करके बैठने का काम किए हैं। तो फिर से माननीय मुख्यमंत्री जी जो है भाजपा के तरफ चले गए, हम लोग पूछे कि भाई क्या कारण है, कहे गए तो उनके पास कोई जवाब नहीं है कि वो भाजपा के साथ क्यों चले गए। तो हम तो नहीं बता सकते ईडी का डर है या सीबीआई का डर है, लेकिन हम सब लोगों को जो आपकी बात कर रहा है, राहुल जी आपकी बात कर रहे हैं, जनता की बात कर रहे, गरीब की बात कर रहे, किसान मजदूर नौजवानों की बात कर रहे, असल मुद्दों के बारे में बात कर रहे हैं,
हम हो या और हमारे साथी हो, मोदी जी जवाब नहीं देना चाहते हैं कि क्यों नहीं किसानों का आय दुगुना किया, क्यों नहीं 2-2 करोड़ रोजगार बढ़ाने का काम किया, क्यों नहीं हर एक के खाते में 15-15 लाख देने का काम किया, 22 तक सबको पक्का मकान देने का वादा किया था। अगर ये सवाल हम लोग पूछते हैं तो मोदी जी अपने सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स जो इन्हीं के पार्टी के प्रकोष्ठ के रूप में काम कर रहे, सेल के रूप में काम कर रहे, वो हम लोगों के पीछे लगा दिया जाता है। लेकिन हम आप लोगों को कहना चाहते हैं, हम लोग डरने वाले लोग नहीं हैं। लड़ाई लड़ाइए, आपकी लड़ाई लड़ना है, आपको अधिकार दिलाना है, तो आप सब लोग हाथ उठा के बताइए, लड़ाई लड़ना है कि नहीं लड़ना, लड़ना होगा तो भाजपा बनाओ, भाजपा बनाओ, भाजपा बनाओ। तो ज्यादा समय हम नहीं लेंगे, इसके बाद 20 तारीख के बाद से मेरा हर जगह बिहार के हर जिले में कार्यक्रम लग रहा है, हम फिर आपके बीच आकर के अपनी बातों को रखने का काम करेंगे। हम राहुल गांधी जी को यही संदेश देना चाहते हैं कि आप जो काम कर रहे हैं उसी निरंतरता के हिसाब से आप अपने काम को करते रहिए, आपके पीछे हम लोग मजबूती के साथ खड़े हैं। कोई भी समय आएगा हम लोग कोई भी कुर्बानी देने के लिए हम लोग खड़े रहेंगे, लेकिन देश का सौदा नहीं होने देंगे। जिन पूंजीपतियों को देश को बेचने का काम कर रहे हैं वो काम नहीं होना चाहिए, आपका अधिकार मिलना चाहिए। पहली चंद शब्दों के साथ आप सब लोगों को हम धन्यवाद देते हैं।